हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रतिभा और आपने ट्यून किया है प्रतिभा सिंह क्रिएशंस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, त्योहार आ गए हैं, तो हमें उन त्योहारों पर पहनने के लिए कुछ नए आउटफिट भी चाहिए। इन त्योहारों के सीजन को देखते हुए तो मैंने कुछ ड्रेस डिजाइन की है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसमें से कुछ ड्रेस डिजाइन मैंने स्टिच किए हैं, तो कुछ मैंने, आप सब जानते हैं त्योहारों का सीजन है, तो ऐसे में बहुत कम टाइम मिल पाता है, घर में बहुत काम होते हैं, बच्चों के भी काम होते हैं, तो इसमें से मैंने कुछ ड्रेस डिजाइन अपने टेलर से सिलवाए हैं और कुछ ड्रेस डिजाइन मैंने खुद किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप भी इन त्योहारों के सीजन को देखते हुए अपने लिए कुछ ड्रेस डिजाइन करेंगी तो आपको ये मेरे सूट देखकर कुछ आइडियाज मिल जाएगा, तो आप भी इन सूट के डिजाइन देखकर अपने लिए आउटफिट बनवा सकती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो देखिए, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मेरा सूट है, ये ऐसा ही सूट था और इसके नीचे ये डिजाइन था और ये इसकी स्लीव्स है। स्लीव्स में कोई डिजाइन नहीं था। ये जैसे सूट की कटिंग करते हैं तो ये देखिए, ये जो लाइनिंग है, ये इस सूट में जो लाइनिंग है तो ये स्लीव्स में लगाई गई है। जैसे सूट की कटिंग करते हैं ना, तो ये साइड में से ये कुछ फैब्रिक निकल आता है, तो ये उसी फैब्रिक से ये इसमें स्लीव्स में डिजाइन दिया गया है। फ्रेंड्स, आप भी ऐसे ही अपनी कुर्ती डिजाइन कर सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर कुर्ती बनकर तैयार हुई है। और ये पीछे से राउंड नेक में है और सामने से स्वीट हार्ट नेक में, और इसके साथ ये ट्राउजर बनाया गया है। ये जो ट्राउजर में भी कोई डिजाइन नहीं था, ये भी सूट में ही था, ये लाइनिंग भी सूट में ही थी जो कि इसमें लगाई गई है, और ये नीचे से इसमें ये डिजाइन दिया गया है। अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। ये इसका दुपट्टा है। ये देखिए, इसका दुपट्टा है। अब मैं आपको दूसरा सूट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दूसरा सूट है, ये सामने से स्वीट हार्ट नेक है और पीछे से राउंड। ये पूरे सूट का डिजाइन ऐसा है। ये देखिए, ये इसमें सिर्फ नीचे ये बॉर्डर दिया गया है, बाकी ये पूरे सूट में कहीं कहीं पर ये डिजाइंस है। तो इसमें भी ये लेस से डिटेलिंग दी गई है, स्लीव्स में ये लेस से डिटेलिंग दी गई है, बाकी ये सिंपल ही सूट बनाया है। और इसके नीचे जो, इसके जो नीचे सलवार का फैब्रिक था वो 3.5 मीटर था, इसलिए कि ये टिशू का है, टिशू का सूट है, तो इसमें इसके साथ में अस्तर भी था, तो मैंने इसमें अस्तर अलग से बाय करके लगाया है, और जो 3.5 मीटर फैब्रिक बचा उसमें से मैंने शरारा बनाया है, अस्तर वाले सूट को लेकर इसमें से शरारा बनाया है। ये देखिए, शरारा कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। इसमें अस्तर का फैब्रिक भी था और पैंट का फैब्रिक भी था। ये देखिए, मैंने लास्टिक वाला शरारा दोनों साइड से बनाया है। ये मेरा बनाया हुआ सूट है, और जो मैंने इससे पहले दिखाया था वो मैंने टेलर से स्टिच कराया था। ये देखिए, मैंने 2 लेयर का शरारा बनाया है। ये देखिए, ये 2 लेयर का शरारा बनाया है। इसके साथ ही इसमें यहाँ से भी पीको कराई है और यहाँ से भी पीको कराई है। तो इस तरह से ये मेरी ड्रेस दिवाली के लिए पार्टी वियर ड्रेस काफ़ी अच्छी बनकर तैयार हुई है। इसे पार्टी में भी पहन सकते हैं और दिवाली पर भी।
मैं आपको इसका दुपट्टा दिखा, ये इसका दुपट्टा है। देखिए मेरे तीसरे नंबर की ड्रेस है, ये मैंने दुपट्टे से बनाया है। ये मेरा दुपट्टा स्टोल टाइप था तो ये मैंने उसी से बनाया है। इसे मुझे कैरी करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी तो मैंने दुपट्टे से सूट बनाया है। और इसके नीचे मैंने सिल्क का अस्तर लगाया है। ये मेरा पूरा दुपट्टा इस टाइप का था तो ये काफ़ी अच्छा कुर्ती बनकर तैयार हुई है। ये जो डिज़ाइन है ये मैंने दोनों आगे भी और पीछे भी दोनों साइड में लिया है। मुझे इसमें सिर्फ ऊपर से ही फिटिंग देनी पड़ी और स्लीव्स के लिए कोई कपड़ा नहीं बचा रहा तो मैंने इसे स्लीव्स कट ही बना लिया। फ्रेंड्स आपके पास भी अगर ऐसा ही कोई दुपट्टा पड़ा है तो आप भी उसकी कुर्ती बना सकते हैं और आपका ट्राउज़र वो पहले वाला ही चल जाएगा। मतलब पूरे सूट के साथ दुपट्टा होता है ना तो वो ट्राउज़र भी उसी के साथ चल जाएगा। अब मैं आपको अपनी चौथी ड्रेस, देखिए चौथा सूट है ये, सामने से स्वीट हार्ट नेक बनाया गया है और ये इस टाइप का इसका डिज़ाइन था। ये बनारसी टाइप सूट है और पीछे से प्लेन है, ये स्लीव्स कट ही बनाया है और इसके साथ नीचे प्लाजो बनाया है। ये देखिए इसके साथ अम्ब्रेला कट प्लाजो बनाया है जो कि देखने में काफ़ी सुंदर है। इसे आप करवा चौथ पर भी पहन सकते हैं और दिवाली पर भी पहन सकते हैं। ये देखिए एक ही ये सूट बनाया है। ये जो फैब्रिक है ये सलवार का फैब्रिक है तो ये इसमें ग्लिमर लगाया गया है और इसके चारों तरफ ये डिटेलिंग दी गई है, लेस से डिटेलिंग दी गई है और इसके साथ ही इसमें ये बटन्स लगाए गए हैं। और ये देखिए इस स्लीव्स का कितना सुंदर डिजाइन बनाया गया है। ये देखिए ये इसमें लेस से डिटेलिंग दी गई है और ये बीच में भी लेस लगाई है और ये इस सूट को एक तरह से पाकिस्तानी लुक दिया गया है। और ये सूट का डिजाइन है और ये नीचे से इसमें ये बॉर्डर है, सूट का बॉर्डर है और इसे सिंपल राउंड नेक में ही बनाया गया है। ये देखिए इस स्लीव्स का डिजाइन कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। और इसके साथ ही इसमें सिंपल पैंट बनाई गई है। ये देखिए एक सूट का डिजाइन ये है, ये बनारसी सूट है, ये सामने से राउंड नेक में लिया गया है, ये क्रीम कलर का सूट है और ये नीचे से इस तरह का ये डिजाइन है और पीछे से बिल्कुल प्लेन है और इसमें ये साथ में फ्रिल वाली स्लीव्स लगाई गई हैं, वो सॉरी बनाई गई है, ये डबल लेयर में है। इन्हें नीचे से पीको करा गया है और इसके साथ ही इसे लेस से इसमें डिटेलिंग दी गई है ये कुर्ती भी और पीछे से राउंड नेक। ये कुर्ती भी काफ़ी सुंदर बनकर तैयार हुई है और इसके साथ ही इसमें बनारसी दुपट्टा है क्रीम, इसके साथ शरारा बनाया गया है। ये फ्रंट साइड से भी लास्टिक लगाई गई है और बैक साइड से भी, इसे भी टू लेयर का ही सरारा बनाया गया है। ये देखिए एक लेयर और दो लेयर और इसके साथ ही इसे पीको कराया गया है ऊपर भी और ये नीचे से भी पीको कराया गया। देखिए कितना सुंदर सरारा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए ये सूट मैंने साड़ी से बनाया है फ्रेंड्स, ये पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बाकी ये मैंने इसलिए दिखाया कि हम प्लेन फैब्रिक से क्या बना सकते हैं। ये बिल्कुल प्लेन साड़ी थी तो इससे मैंने सूट और सरारा बनाया है। ये जो गले में लेस लगाई गई है इसमें तीन तरह की लेस लगाई है, एक चौड़ी लेस और ये इसके चारों तरफ समोसा लेस और ये इससे अलग लेस लगाई गई है डिजाइन में और इसके साथ ही समोसा लेस यहाँ स्लीव्स में भी लगाई गई है और ये इसे फ्रिल वाला बनाया गया है और बैक साइड में भी ये समोसा लेस लगाई गई है और इसके साथ ही ये नीचे भी ये ऊपर वाली समोसा लेस लगाई गई है और बैक साइड से इसमें कोई लेस नहीं, ये बिल्कुल प्लेन बनाया और इसके साथ ही से इसमें सरारा बनाया गया है। ये देखिए
ये शरारा दोनों साइड से इलास्टिक वाला है। ये शरारा काफ़ी हैवी बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, ये जो लैस कुर्ती में लगी थी समोसा लैस, ये इसमें भी लगाई गई है। ये देखिए, और ये नीचे अलग चौड़ी लैस लगाई गई है। इसी से मैचिंग दुपट्टे में भी ये लैस लगाई गई है। इस तरह ये साड़ी से सूट काफ़ी सुंदर बनकर तैयार हुआ है। और इसमें कॉटन का अस्तर लगाया गया है। ये देखिए, ये इसका दुपट्टा है। ये देखिए, फेस्टिवल के पर्पज से काफ़ी सुंदर सूट बनकर तैयार हुए। ये देखिए, एक सूट ये है, ये भी टेलर से ही सिलवाया हुआ है। ये देखिए, फ्रंट साइड है, तो इसमें ये डिजाइन पहले से ही था। और ये इसकी स्लीव्स का डिजाइन है, ये अलग से बनाया गया है। ये देखिए, और ये जो इसमें लैस है, ये अलग से लगाई गई है। और ये स्लीव्स का डिजाइन, स्लीव्स का डिजाइन खींचने वाला बनाया गया। इसकी पहनकर काफ़ी अच्छी लुकिंग आती है। ये देखिए, और ये नीचे से सिर्फ इसमें ये एक लैस लगी थी, इसी कलर की ये जो लैस है इसी में लगी हुई थी। और इसके साथ ही इसमें पैंट बनाई गई है। ये सामने बेल्ट वाली है और पीछे से इलास्टिक वाली पैंट, सिंपल पैंट बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मेरे सूट कैसे लगे मुझे प्लीज़ बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना, ताकि वे भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा उठा सके। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।